यात्रा का शुभारंभ भारत की राजधानी नई दिल्ली से होता है। श्रद्धालु यात्रियों को विदेश मंत्रालय में जाना होता है, जहां इन्हें यात्रा संबंधी उचित सलाह मशविरा दिया जाता है। लॉटरी के आधार पर विदेश मंत्रालय इन्हें यात्रा की अनुमति देता है। यात्रा पर जाने के लिए अधिक आवेदन पत्र आने की वजह से लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है। हर वर्ष 16 जत्थे और हर जत्थे में 35 यात्रियों को जाने की अनुमति होती है। लॉटरी उन्हीं भाग्यशाली व्यक्तियों की निकलती है जिन पर भोले दानी की कृपा होती है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ विभिन्न राज्यों से आए यात्री एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। यात्रियों का इस पावन यात्रा के लिए चयन होने के बाद इन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आधार चिकित्सालय यानी बेस हॉस्पिटल में जाना होता है। आधार चिकित्सालय में ही यात्रा की दुर्गमता के बारे में जानकारी दी जाती है, साथ ही उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है। जिन भाग्यशाली शिव भक्तों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिलता है वे पुनः विदेश मंत्रालय में जाते हैं, जहां मंत्रालय की तरफ से उनका स्वागत किया जाता है। अब यात्रा के प्रथम चरण के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रीगण नई दिल्ली के अशोक यात्री निवास पर इकट्ठा होते हैं। के यात्री अपने लाइजन ऑफिसर का जय शिव और बम बम भोले के उद्घोष के साथ स्वागत करते हैं। यहां दिल्ली सरकार की तरफ से श्रद्धालु यात्रियों को कुछ अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात यात्रीगण अशोक यात्री निवास से बस में सवार होकर शिव दर्शन का सपना संजोए अपने परिजनों से विदा लेते हैं। भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। दिल्ली से 8 घंटे की यात्रा के बाद यात्रीगण काठ गोदाम में रात्रि विश्राम करते हैं। यात्रियों का पहला पड़ाव काठ गोदाम होता है, जो दिल्ली से करीब 285 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से करीब
550 मीटर की ऊंचाई पर है। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। सुबह नाश्ते के पश्चात कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारीगण यात्रियों का स्वागत करके आगे की ओर विदा करते हैं। शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। अपने जीवन की आशा सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके है जो उनको अपना बना ले। हो महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर सुंदर सुहावने प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए और शिव का ध्यान धरे यात्रीगण 40 किलोमीटर की यात्रा करके भवाली पहुंचते हैं। यहां कुमाऊनी रीत रिवाज से यात्रियों का स्वागत किया जाता है। यात्रियों को तिलक लगाया जाता है और माला पहनाई जाती है। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय
शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भवाली में नाश्ता करके कुमाऊं की सुंदर वादियों का अवलोकन करते हुए यात्रीगण अल्मोड़ा पहुंचते हैं। अल्मोड़ा में वे दोपहर का भोजन लेते हैं। शिवा हर हर भोले नमः शिवा। अल्मोड़ा में प्रसन्नता के प्रतीक खिले हुए रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक दृश्यों से नयनों को तृप्त करते हुए यात्रीगण औघरदानी के भजनों का आनंद लेते हैं। कैलाश बसे हो केदारा, मैं धरती का तारा। तुम कैलाश बसे हो केदारा, मैं धरती का तारा। यह संयोगवश कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ जाता है, जिसे निहार कर शिव भक्त बाग बाग होते हुए बागेश्वर पहुंचते हैं, जो काठ गोदाम से 180 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 975 मीटर की ऊंचाई पर है। बोले नमः शिवाय। बागेश्वर में यात्रीगण रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से रहने, खाने और संचार की व्यवस्था की गई है। यहाँ से यात्रीगण अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह यात्री बागेश्वर से निकलते हैं। रास्ते में पहाड़ों से अटखेलियां करते और पहाड़ों से नीचे बादल दिखाई पड़ते हैं। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवा। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवा। आगे चाकोरी नामक जगह आती है, जो बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। हर हर भोले नमः शिवा।
हर भोले नमः शिवाय। चाकोरी से कैलाश मान सरोवर के साहसिक यात्रीगण दीदीहाट की ओर बढ़ते हैं, जहां दोपहर का भोजन लेकर धार चूल्हा के लिए प्रस्थान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धार चूल्हा पहुंचने से पहले यात्रीगण प्राकृतिक आनंद के लिए कुछ समय बीच में ठहरते हैं। धार चूल्हा पहुंचते पहुंचते यात्रियों को शाम हो जाती है। यहां कुमाऊं मंडल विकास निगम की सहायता से पोर्टल का इंतजाम किया जाता है। रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रीगण सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा हवन के उपरांत आगे की यात्रा की तैयारी होती है। यह पुनः यात्रियों की चिकित्सा जांच होती है। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें नाश्ता कराया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यात्रियों का सामान तौला जाता है। 25 किलोग्राम से ज्यादा सामान होने पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारीगण अतिरिक्त चार्ज लेकर यात्रियों को घोड़े खच्चर की व्यवस्था करा देते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय।
आगे की यात्रा की तैयारी पूरी करके श्रद्धालु शिव भक्त हर हर महादेव का जय घोष और विघ्न विनाशक की प्रार्थना करके कैलाश मानसरोवर की ओर कदम बढ़ाते हैं। गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए मंगती की ओर बढ़ती है। इस दुर्गम रास्ते में एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत और बीच में काली नदी है। यहाँ अक्सर भूस्खलन होता रहता है। शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय। बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभु कहो। नेपाली नागरिक अपने मित्र गणों से मिलने इस तरह साहसिक तरीके से काली नदी पार कर भारत में आते हैं, जिसे देखकर आम आदमी का दिल ही दहल जाए। मंगती गांव पहुंचने पर वहां के भोले भाले नागरिक यात्रियों का स्वागत करते हैं। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां पूरा गांव इकट्ठा होता है। यात्री अपनी ओर से गांव वालों को खाने पीने की चीजें भेंट करते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। पैदल यात्री शिव को नमस्कार कर अपने अपने हाथों में छड़ी लिए एक एक पग आगे बढ़ते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रास्ते कठिन जरूर हैं, मगर मन में उत्साह है, दिल में उमंग है कैलाश मानसरोवर के पवित्र दर्शन की। जहां शक्तिमान शिव का ध्यान हो वहां कठिनाइयां तुच्छ पड़ जाती हैं।
कठिन रास्ते की चढ़ाई ना चढ़ सकने वाले खच्चर पर चढ़कर जाते हैं। यात्रियों का जत्था अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ गाला गांव पहुंचता है। हर हर भोले नमः शिवाय। यहां गाला गांव के बच्चे यात्रियों का स्वागत करते हैं। गांव वाले पहाड़ी रीति रिवाज से ढोल नगाड़े बजाकर इनका स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से यात्रियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। मैं प्रबंधक हूं यहां पे कुमाऊं मंडल विकास निगम शिविर गाला में, और ये जो पहला यात्री दल आ रहा है उसके स्वागत के लिए हम यहां का जो लोकल सॉन्ग है और लोकल जो यहां का कार्यक्रम है वो दिखा रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाएंगे यात्रियों। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम में आप ये गांव वाले ही करेंगे या आप लोग मिलकर करेंगे? नहीं, ये गांव वाले करेंगे, क्योंकि ये गांव वालों का ही जो लोकल सॉन्ग है ना, गांव वालों का है, तो वो गांव वाले दिखाएंगे। मतलब वेशभूषा वही होगी या कोई? वेशभूषा यही रहती है इनकी, जो है जो ये गांव की वेशभूषा उसी में करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। धीरे धीरे यात्रियों का जत्था गाला कैंप पहुंचता है। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में बसा है गाला कैंप। यहां यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह शिव प्रार्थना करके हर हर महादेव कहते हुए बुद्धि की ओर बढ़ते हैं। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गाला से कुछ दूर चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है जिसे बिंदा कोटी कहते हैं। ये वही जगह है जहां से 4444 सीढ़ियां उतरनी होती है। रास्ते में यात्री एक छोटी सी दुकान पर चाय का आनंद लेते हैं। विश्व
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय यात्री अब लखनपुर पहुंचे। पहाड़ों से कल कल छल छल गिरते झरने और साथ साथ बहती हुई काली नदी जो यहां से उग्र रूप धारण करती है। भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। अम्ब्रेला फॉल यानी छतरी नुमा झरना, जिससे गिरता हुआ पानी काली नदी में मिलता है। अम्ब्रेला फॉल और सुंदर झरनों को अपलक निहारते हुए यात्री बुद्धि पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अगले दिन सुबह बुद्धि से गुंजी की ओर बढ़ते हैं। ये दूरी 15 किलोमीटर और समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे आगे पोटर, पीछे उनके घोड़े खच्चर, जिन पर यात्रियों का सामान लदा होता है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले लेक है, जहां इस अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता के बीच हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ पर बना मंदिर और आकाश में छाए बादल एक अविस्मरणीय छटा बिखेरते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ आईटीबीपी के जवान चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। रास्ते में है गरबयान गांव, जो जमीन में धस गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गरबयान से आगे होते हुए यात्री जत्था गुंजी आता है।
गुंजी में रात्रि विश्राम और सुबह पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। इस दुर्गम जगह पर भी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने संचार व्यवस्था की है। गुंजी में भी चिकित्सा जांच होती है। भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ यात्री ही आगे की यात्रा कर सकते हैं। गुंजी में बर्फ से ढकी सुंदर पहाड़ियां, जिन पर सूर्य की किरणें पड़ते ही स्वर्ण आभा छिटक जाती है। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवा रामेश्वरा। ओम नमः शिवाय का जाप करते यात्रीगण गुंजी से आगे काला पानी पहुंचते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत काली माँ का मंदिर है। कहते हैं यहीं से काली नदी निकली है। यहाँ यात्री काली पूजन करते हैं। काला पानी बेस कैंप के पास ही व्यास गुफा है। किंवदंती है कि महर्षि व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। आगे बढ़ते हुए शिव भक्त नवी धांग, जो काला पानी से 8 किलोमीटर दूर है, पहुंचते हैं। ये भारत का अंतिम पड़ाव है। यहीं से पवित्र ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। यहां यात्री विश्राम करते हैं और खाना खाते हैं। यात्रीगण ओम पर्वत के दर्शन का इंतजार करते हैं। मौसम खुलते ही ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। आसपास की पहाड़ियों के बीच ओम पर्वत ऐसा लगता है जैसे कैलाशपति ने अपने स्वयं के हाथों से ओम लिखा हो। ओम पर्वत का दर्शन करते हुए यात्रियों की यात्रा लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरती है। यहां से यात्रा लगभग 18 किलोमीटर बर्फ में चलकर तय करनी पड़ती है और यात्रा का समय होता है रात्रि, जहां से अनुभवी सैनिक यात्रियों का मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दर्रे को पार करके लोग
चीन में प्रवेश करते हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। इस दुर्गम बर्फीले पथ को पार करते हुए उत्साही और धर्म भीरु यात्री टकला कोट पहुंचते हैं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। जहां पुरुंग गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराया जाता है और उन्हें नाश्ता कराया जाता है। यहाँ चीनी और भारतीय व्यंजन मिलते हैं। चीन में अपने प्रबंध के लिए प्रति व्यक्ति $500 का भुगतान किया जाता है, साथ ही दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी की जाती हैं। खाने के बाद यात्री सुंदर दृश्यों का अवलोकन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और टकला कोट बाजार घूमते हैं। यहां से मान सरोवर का पवित्र जल भरने के लिए केन भी खरीदते हैं। गेस्ट हाउस में दिल्ली से साथ लाया गया मिला जुला खाने का सामान यात्री आपस में बांट लेते हैं और फिर बस द्वारा आगे की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है। चलो
बढ़े चलो लेके भोले का नाम, बढ़े चलो लेके भोले का नाम, बढ़े चलो लेके भोले का नाम। ओ बन जाएंगे तेरे, बन जाएंगे तेरे सब बिगड़े काम, बढ़े चलो बढ़े चलो लेके भोले का नाम, बढ़े चलो लेके भोले का नाम। रास्ते में बर्फीली चोटियों के आसपास होते हुए राक्षस ताल आते हैं। जहां से कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। यहां पर यात्री बस से उतरकर राक्षस ताल के पास से ही गुड़लामान धाता पर्वत के भी दर्शन करते हैं और एक बार फिर उनके सामने होती है प्राकृतिक छटा। पुनः राक्षस ताल से बस में सवार होकर 3 घंटे चलने के बाद जैदी पहुंचते हैं, जहां से मानसरोवर के पवित्र दर्शन होते हैं। यात्रीगण मानसरोवर में स्नान करते हैं, जिससे जन्मों के पाप कटते हैं और मुक्ति मिलती है। मानसरोवर समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 120 किलोमीटर के दायरे में है। मानसरोवर के किनारे किनारे चलते हुए और कैलाश पर्वत के दर्शन करते हुए यात्री होरे की ओर पहुंचते हैं। Thank you.
रास्ते में तिब्बती मंदिर यानी गोम्पा के भी दर्शन होते हैं। होरे पहुंचकर यात्री स्वयं खाना तैयार करते हैं। खाना खाकर तिब्बती संस्कृति और जानवरों को देखते हुए यात्रीगण कुगु के लिए प्रस्थान करते हैं। कुगु से मानसरोवर और कैलाश पर्वत एक साथ दिखाई पड़ते हैं। मानसरोवर में सूर्य की किरणें पड़ने से सितारे चमकने का सा दृश्य पैदा होता है, एक अनुपम दृश्य। कुगु में रात्रि विश्राम कर यात्री पुनः जैदी वापस पहुंचते हैं, जहां मानसरोवर परिक्रमा पूरी होती है। बीच बीच में लोग मानसरोवर के दर्शन करने और स्नान करने भी बस से नीचे उतर जाते हैं। जैदी से पुनः तारचीन की ओर यात्रीगण पहुंचते हैं। तारचीन से ही कैलाश परिक्रमा शुरू होती है। अगले दिन तारचीन से यात्री जरूरी सामान लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति बोलो।
छुपे हो कहाँ हे भोले। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। तार चीन से बादलों की खूबसूरती का अवलोकन करते हुए यात्री यमद्वार पहुंचते हैं। कहते हैं कि यमद्वार से निकलने के बाद मृत्यु का भय कम हो जाता है। अब न देर करो, आके कष्ट भरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो, हे भोले गंगधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोरी टूट जाए ना मेरा, जग में नहीं कोई तेरे बिना, मेरा जग में नहीं कोई तेरे बिना, हे भोले। यम द्वार से यात्री आगे का सामान ले जाने के लिए याक का प्रयोग करते हैं। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन होते हैं और यही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। कठिन रास्ते को भी आनंद पूर्वक पार करते हुए देरापुक की ओर बढ़ते हुए यात्रीगण और सामान से लदे याक कुछ देर के लिए रास्ते में विश्राम करते हैं। इसके आगे ब्रह्मपुत्र नदी पार करनी होती है। घोड़े की लगाम पकड़े हुए तिब्बती स्वयं पानी में चलते हैं और तीर्थ यात्रियों को घोड़े पर बैठाकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाते हैं। Shiva.
नदी पार करने के बाद देरापुक कैंप आता है, जहां से आमने सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। यहां कैलाश का रंग मौसम के अनुरूप बदलता रहता है। देरापुक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, पल पल बदलते मौसम का रंग। देरापुक से सुबह शिव प्रार्थना करते हुए यात्रीगण डोलमा की ओर बढ़ते हैं, जो इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई होती है। साढ़े 19,000 फीट की ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। डोलमा पर्वत पहुंचने के बाद भारतीय यात्रियों को विदेशी यात्रियों से भी मिलने का मौका मिलता है। विदेशी भी रंगे होते हैं शिव के रंग में, ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हैं, जहां आपस में मिलजुल कर एक यात्री दूसरे की मदद करता है और आपस में खुशी से झूमते हुए हर हर भोले ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हैं। स्पीड सेट कर दी थी इसकी। हाँ Om Namah Shivaya, 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 Om Nam
डोलमा में एक चट्टान को ही पार्वती और शिव का रूप मानकर यात्री भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात यात्री धर्म पताका फहराते हैं। डोलमा से नीचे उतरकर गौरी कुंड का दर्शन करके थके हुए यात्री विश्राम करते हैं। गौरी कुंड से नीचे जोंग जेरबू के पास तिब्बती श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा करते हैं। कैलाश की यह परिक्रमा 27 दिनों में पूरी होती है। जोंग जेरबू में रात्रि विश्राम होता है। यहां से यात्री 12 किलोमीटर दूर तारचीन और तारचीन से वापस
जैदी पहुंचते हैं। जैदी में पूजा पाठ और हवन आरती की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद मानस के किनारे बैठकर सभी यात्री पूजा अर्चना कर स्वदेश लौटते हैं। यहीं यात्रीगण अपनी यात्रा का समापन करते हैं। तो इस तरह लगभग 27 दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी होती है। Thank you.